हेलो, आज हम 500 मेगावाट के बॉयलर को शट डाउन करने के लिए कोल्ड स्टेट तक क्या क्या प्रोसेस लगेगी आज ये डिस्कस करेंगे। ये BHEL मेक का बॉयलर है, इसके लिए जो जो स्टेप्स होंगे आज हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ द नॉर्मल शट डाउन प्रोसेस फ्रॉम बॉयलर टू कोल्ड पोजिशन। हमें ये बात याद रखनी है कि इन शटिंग डाउन द बॉयलर द रिडक्शन ऑफ फायरिंग रेट इज डिटरमाइंड बाई रिक्वायरमेंट ऑफ टर्बाइन। जैसी टर्बाइन की रिक्वायरमेंट है, जो फायरिंग रेट है लोड के हिसाब से, वो अप डाउन जो भी होगा शट डाउन के टाइम में, वो टर्बाइन के हिसाब से रिक्वायरमेंट लोड के हिसाब से हम कम ज़्यादा करते रहेंगे। डू सूट ब्लोइंग बिफोर रिड्यूसिंग लोड और कीप लोड मोर देन 75%। सूट ब्लोइंग लोड डाउन करते टाइम पे सबसे पहले हमें 400 मेगावाट तक आने से पहले तक सारी सूट ब्लोइंग कर लेनी है। फिर चेक HP LP और पास ऑपरेशन इज ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ इन केस अगर हमारा HP LP पास नहीं खुलता है तो रिटर्न प्रोटेक्शन एक्ट कर जाएगा, बट दैट इज नॉट गुड फॉर सिस्टम। तो हमें इससे पहले HP और LP वायर्स को बारी बारी से थोड़ा थोड़ा खोल के 5-5% खोल के चेक कर लेना है कि वेदर इट्स ओपनिंग और नॉट। आफ्टर सूट ब्लोइंग ग्रेजुअली रिड्यूस लोड ऑन यूनिट बाई रिड्यूसिंग फायर इन मिल्स। जैसे हम सूट ब्लोइंग खत्म करेंगे, लोड को और डाउन करना है, वो कैसे करेंगे कि मेल्स में फायरिंग को कम करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी स्टीम फ्लो विल बी रिड्यूस्ड, अलाउ द प्रेशर टू ड्रॉप विद द रिडक्शन इन लोड। जैसे जैसे लोड कम करेंगे हम प्रेशर भी अपने साथ साथ ड्रॉप कराते जाना है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब क्या करेंगे, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर टर्बाइन बट नेवर एक्सीडिंग द फोर्स कूलिंग रेट ऑफ बॉयलर इफ रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क ऑन टर्बाइन और मेंटेन MSHR टेम्परेचर। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि जब हम लोड डाउन करते हैं तो हमें अपने सारे जो डिजाइंड वैल्यूज हैं डाउन करते टाइम पे भी, वो भी मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, रिड्यूस कोल फायरिंग टू 70% ऑफ लोड। अगर 500 मेगावाट चलता है तो 350 मेगावाट आपका 70% लोड है, तो उसी हिसाब से हमें जितना फायरिंग 500 मेगावाट के लिए है उसी हिसाब से हमें उसकी फायरिंग 70% के लिए कर लेनी है। अब उसके बाद फुट SDC और मैनुअल टू मेंटेन विंड वॉक्स टू फर्नेस DP मोर देन 70 mm वाटर कॉलम। जैसे जैसे लोड रिडक्शन करते जाते हैं कि क्या होता है, हमारे SDC में भी चेंजेस आते हैं, हमारा DP मेंटेन नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में आप बोला गया है कि इसका जो सेट पॉइंट बढ़ा के हम 70 बढ़ा लें, या तो इसको मैनुअली 70 mm वाटर कॉलम लगातार मेंटेन रखें। अब एक HP LP पास इंटू सर्विस रिड्यूस स्टीम फ्लो टू 300 MW। एकदम सडन प्रेशर ड्रॉप कराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें अगर शट डाउन करना ही है तो हम HP LP बाईपास की सहायता से खोल के स्टीम फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं और 300 मेगावाट तक लोड ला सकते हैं। कीप HP बाईपास एटलीस्ट 25% ओपन टू फैसिलिट फ्लो थ्रू रिहीटर। ये रिहीटर के लिए एक सेफ गार्ड है, हमें HP बाईपास से कम 25% खुला रखना है टू फैसिलिट ताकि फ्लो हमारा HP बाईपास के थ्रू MS से होता हुआ HP बाईपास से होता हुआ सीधा रिहीटर से होता हुआ हमारे टर्बाइन से होता हुआ कंडेंसर में जाता रहे। तो ये हमें बहुत ध्यान से करना है। टेक ऑयल सपोर्ट फॉर लोअर मोस्ट मिल ABCD टू APS सूट ब्लोइंग। अब हमें क्या करना है, हमारे जो मिल चल रहे हैं ABCD उनके लिए ऑयल सपोर्ट फॉर ले लेना है, AB और CD में गन ले लेना है। साथ ही साथ जैसे हम गन लेंगे तो हम APS का सूट ब्लोइंग शुरू कर देना है। रिड्यूस फायरिंग, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। रिड्यूस फायरिंग इन टॉप मोस्ट मिल टू मिनिमम फीड रेट। जो टॉप मिल हमारी चल रही है उसका फीड मैनुअल लेके हम उसका मिनिमम जो भी 17 to 20 टन्स पर आर है वो ले लेंगे। इस दौरान मिल आउटलेट टेम्परेचर फॉल्स गिरेगा, क्योंकि हम जब कोल्ड एयर को बढ़ाएंगे वाटर को कम करते हैं, और धीमे धीमे ऐसे करके मिल को ऑन प्रोसेस में भी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करके 60 के अराउंड आउटलेट टेम्परेचर करके हम उस मिल को स्टॉप कर लेते हैं, पूरी तरह खाली कर लेते हैं और सारे डैम्पर्स और उसके वाटर डैम्पर कोटर डैम्पर सारे गेट्स को बंद कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एडजस्ट एयर फ्लो फॉर रिक्वायर्ड O2%। इस दौरान क्या होता है कि O2% भी हमारा गिरता है तो हमें एयर फ्लो को रेगुलेट कर लेना है एक O2% इंक्रीज करने के लिए। तो इसलिए मैनुअली हम O2 सेट पॉइंट बढ़ा सकते हैं, 4.5% कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। अब क्या करेंगे, रिड्यूस फर्दर फायरिंग।
अब हमें क्या करना है कि फायरिंग ऊपर की मिल में ही धीमे धीमे फायरिंग कम करते जाना है और भाई फिड रेट को कम करके लोड 200 मेगावाट एंड थ्रॉटल प्रेशर इस 200 मेगावाट एंड थ्रॉटल प्रेशर 100 kg। टेम्परेचर हमारा जो एमएस रचार्ज का टेम्पर अभी मोर और लेस बराबर ही रहता है। ये फर्दर हमें जो फायरिंग कम करके ऊपर की मिल में 200 मेगावाट जब लाते हैं तो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें 100 kSC प्रेशर बन गया है। इस दौरान थ्रॉटल अब हमें क्या क्या करना है, अब स्टॉप बॉटम फीडर, अब हमें नीचे की मिल, जब नॉर्मली आपकी 6 या 7 मिल चलती है, ऊपर से 2 मिल हटाने के बाद अगर 5 मिल है तो नीचे से आगरा मिल निकाल देते हैं। अभी ए बी और सी डी का सपोर्ट हमारे पास है ही। स्टॉप बॉटम फीडर मिल आफ्टर एम्प्टिंग लोड 100 मेगावाट 80 केजी, ऐसी कंडीशन 100 टू 125 मेगावाट और 80 केजी आपका ड्रम प्रेशर है तो नीचे की मिल निकाल देते हैं। हमारे पास सिस्टम में 4 मिल है PCDE और साथ ही साथ हमारा ऑयल सपोर्ट है ए बी और सी डी में। अब 100 मेगावाट 150 मेगावाट आ जाता है तो हमें 30% जो एफ आर एस लाइन है हाई रेंज से लो रेंज चेंज कर लेनी है। ये हमें 100% कैपेसिटी एफ डी बी 16 है उसको एफ डी बी 14 जो कि 30% कैपेसिटी में चेंज कर लेना है, क्योंकि 30% कैपेसिटी दैट इज द 30% ऑफ बीएलआई, 30% मीन्स 500 मेगावाट का 30% इज 150 मेगावाट। फॉर 150 मेगावाट लेस देन 150 मेगावाट और 150 मेगावाट यू कैन टेक एफ आर एस 30% लाइन एफ डी बी 14। अब हमें क्या करना है कि आपकी ओपन इको रिसर्कुलेशन वाल्व, अब इकोनोमाइजर का रिसर्कुलेशन वाल्व खोल देना है, क्लोज सीबीडी इफ ओपन कंडीशन। अगर जैसे कि हमारा सीबीडी इस दौरान अप डाउन होता रहता है, ब्लो डाउन करते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन अगर खुला हुआ है तो सीबीडी को हम बंद कर लेंगे। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, इस दौरान और क्या करना है हमें, स्टार्ट रिड्यूसिंग फायरिंग इन लास्ट मिल, स्टॉप फीडर मिल बाई एम्प्टिंग मिल एंड फीडर। अब हमारी बीसीडी मिल है तो लास्ट में जो ई है उसको फायरिंग कम करेंगे और धीमे धीमे कम करके उसका फीडर काट देंगे। अब रिड्यूस हमारा लोड हमारा 50 से 80 मेगावाट के बीच में होगा, प्रेशर हमारा 70-80 kg होगा इस कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में हमारा स्टॉप बोथ पीएफएनस, दोनों पीएफएनस को स्टॉप करेंगे। इंश्योर इस दौरान हमें क्या कर लेना है, इससे पहले 100 मेगावाट के आसपास ही यूनिट 11 के भी बस सप्लाई चेंज हो जो स्टेशन हो, क्योंकि नॉर्मली रनिंग में हमारे जो ट्रैप्स होते हैं यूनिट के यूनिट ट्रांसफर से ही यूनिट बोर्ड से चार्ज रहते हैं, बट जैसे हमारे यूनिट ट्रिप करेगी इनकेस के लिए दैट इट शुड बी ट्रांसफर टू एसटी। तो फॉर फेल सेफ कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले से स्टेशन में चेंज ओवर कर लेते हैं। अब बॉयलर को हमारे पास 1 या 2 या 3 मिल जो भी हैं बीसीडीए हैं तो 1 मिल और निकाल सकते हैं, गन हमारी बीसीडी है ही, तो अब क्या कर लें, बॉयलर को ईपीवी के थ्रू ट्रिप करेंगे। बॉयलर ट्रिप करने से क्या होगा, टर्बाइन विल ट्रिप, जनरेटर ब्रेकर विल ओपन, टर्बाइन ट्रिप कर जाएगी और जनरेटर ब्रेकर हमारा खुल जाएगा। पीएफएन विल ट्रिप ऑटोमेटिकली इफ नॉट स्टॉप, अगर पीएफएन हमारा बंद नहीं हुआ था उस दौरान, क्योंकि और मिल चल रही है इनकेस 2 या 3 मिल चल रही है, तो हम पीएफएन को अब पीएफएन अपने से बॉयलर ट्रिप करने पर पीएफएन विल ट्रिप कर जाएगा। अब हमें क्या क्या देख लेना है, जब हमारा बॉयलर ट्रिप कर रहा है, बॉयलर ट्रिप होना हमारा मतलब क्या क्या इंडिकेशन आएगा, इंश्योर क्लोजिंग ऑल ऑयल वाल्व, जितने भी हमारे एच ओ टी वी एल ओ एन वी एच एल ओ टी वी एच एच ओ एन वी जितने भी वाल्व से ऑयल रिलेटेड सारे बंद हो जाएंगे, इग्निटर वाल्व बंद हो जाएंगे, ट्रिप वाल एल डी एच एफ ओ ट्रिप वाल्व सारे बंद हो जाएंगे, स्टॉपिंग ऑफ ऑयल फीडर और सारे मिल फीडर जितने भी हमारे सब बंद हो जाएंगे, पी एफ एन बंद हो जाएगा। अब हमें क्या कर लेना, जैसे प्रेशर हमारा इस टाइम पे लोड तो 0 मेगावाट हो चुका है लेकिन हमारा अभी प्रेशर 70-75 kg प्रेशर बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में स्टॉप वाल्व अपना बंद कर लेना है। साथ ही साथ सुबरेटर स्प्रे ऑल एसिडिक वाल्व टू अवॉइड पासिंग, सबसे एक कंडीशन है कि अब अगर हमारा कुछ नहीं, तो अगर एमडीपी यू चल रहा है, अगर एमडीपी चल रहा है तो स्प्रे लगातार हमारा जा सकता है, तो कंट्रोलर पासिंग की वजह से पानी हमारा टर्बाइन में आगे बढ़ जा सकता है। तो बेहतर है कि अब क्या करते हैं, सुपर हीटर रेटर स्प्रे जो कि टीडी आगरा बॉम्बे और एमडीएफपी के जितने सुपर हीटर स्प्रे मैनुअल वाले हैं, रुपए हीटर स्प्रे मैनुअल वाले हैं, उनको हम दोनों को सबको मैनुअली आइसोलेट करा देंगे। अब ऐसी कंडीशन में हमारा आईडी फैन और एफडी फैन चल रहा है तो बॉयलर पर्जिंग करेंगे। बॉयलर पर्जिंग के लिए कंडीशन वही सारी है, सारे जितने भी ऑयल फ्यूल सोर्स सारे बंद होंगे, एसिडिटी हमारा 100% होगा और बॉयलर पर्जिंग हमारा 5 मिनट के 2 टाइमर लगेंगे, 10 मिनट के अंदर हमारा बॉयलर पर्जिंग हो जाएगा। सी नो फ्लेम इनसाइड द फर्नेस, फिजिकली भी हम लोग को नो फ्लेम इनसाइड द फर्नेस दिखवा लेनी है ऐसी कंडीशन के बाद। अब क्या करना है,
कीप क्लोज वॉच ऑन एचपीएफएस स्प्रे। एचपीएफएस स्प्रे हमारा इसके जितने भी जो वाल्स हैं वो पास कर जाते हैं, तो बेहतर है कि सुपर डेस्ट्रेटर स्प्रे जब बंद कराना जाए उसी दौरान एचपीएफएस का स्प्रे का मैनुअल एचलेसिंग वाल है उसको भी बंद करा दिया जाए। साथ ही साथ ट्राइन ट्रिप कर चुकी है तो हमें स्टॉप वाल और के और जितने आईपी स्टॉप वाल एचपी स्टॉप वाल के जितने भी ड्रेन्स वाले हैं सबको हमारे ड्रेन्स को खुलवा लेना है। साथ ही साथ अगर हमारा भी इस टाइम पे एचपी पास और एलपी पास खुला है ठीक है तो ये ऑटो में बंद हो जाना चाहिए, नॉट क्लोज तो एलपी पास को भी क्लोज कर देना। तो हमारा एचपी पास और एलपी पास दोनों हमारे क्लोज कंडीशन में है एमएस। साथ ही साथ अब क्या करना है कि मेक ईएससी फील्ड्स ऑफ एंड रन रैपिंग मोटर एट फॉर 6 आवर्स देन स्टॉप रैपिंग एसलेट फ्लशिंग वाटर आफ्टर आईडी व्हेन स्टॉपिंग। अब जैसे हमारा ये ऑयल ऑयल कट कर चुका है तो हमारे ईएससी फील्ड भी सारे ऑफ कर देने हैं और रैपिंग मोटर्स को कंटिन्यूस 1 to 2 आवर्स के लिए रन कर लिए, एमिटर्स को चला देना है और स्टॉप रैपिंग कर देना है कुछ एक दो घंटे बाद। फिर आइसोलेटिंग फ्लशिंग वाटर ऑफ आईडी फैन स्टॉपिंग, आईडी फैन जैसे बंद करेंगे उसके बाद हमें फ्लशिंग वाटर भी बंद कर लेना है। ये बात का प्रोसेस है। साथ ही साथ अब क्या करना है, व्हेन एपीएच इनलेट गैस टेम्परेचर, जो एपीएच का इनलेट गैस टेम्परेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 205 डिग्री के नीचे आता है तो शट डाउन द एफडी एंड आईडी फैन, एफडी और आईडी फैन को हमको बंद कर लेना है। आईडी टू एफडी प्रोटेक्शन कैन बी चेक्ड, इस दौरान हम आईडी से एफडी ट्रिपिंग और एफडी से आईडी ट्रिपिंग भी चेक कर सकते हैं। नाउ 205 के नीचे हमारा एपीएच इनलेट टेम्परेचर आ चुका है, डू एपीएच वॉशिंग। अब उस दौरान हमें एपीएच की सीधी वॉशिंग कर देनी है, जितने ही वाल्स रहते हैं वहाँ पे पानी की वो सीधा एपीएच वॉशिंग वाल्स खोल देने हैं और हमारा एपीएच वॉशिंग होने लगेगा। और साथ साथ इंश्योर नेचुरल सर्कुलेशन, इस दौरान नेचुरल सर्कुलेशन हमारा इंश्योर होगा। अब क्या है अगला स्टेप, क्लोज ऑक्सिलरी स्ट्रीम कंट्रोल वाल, आइसोलेटिंग वाल, स्प्रे लाइन आइसोलेटिंग वाल, कंट्रोल वाल। अब जितने भी ऑक्सिलरी स्ट्रीम का जो सप्लाई स्टेशन है सारे आइसोलेटिंग वाल यूनिट से वो कट कर लेने हैं और सारे स्प्रे लाइन सबको आइसोलेटिंग वाल मैनुअली बंद करा लेना है। क्लोज एटोमाइजिंग एंड हीटिंग स्टीम लाइन, ये इसको एटोमाइजिंग वाल जितने भी स्टीम लाइन के सब बंद करा लेने हैं। क्लोज HF4 LDO स्टेशन, HSD स्टेशन इनलेट मैनुअल आइसोलेटिंग वाल, जो HF4 LDO के स्टेशन के इनलेट मैनुअल आइसोलेटिंग वाल है क्योंकि अब यूनिट शट डाउन काफी दिनों के लिए जा रहा है तो इनलेट वाल LDO स्टेशन और HF4 स्टेशन का मैनुअल आइसोलेटिंग वाल होता है सारे को बंद करा लेना है। अब इस दौरान ओपन रीहीटर स्टार्टअप वेंट CRSGN हमारे खुलवा लेना है, CRS पोर्ट रेड पोर्ट खुलवा लेना है, साथ ही रीहीटर का स्टार्टअप वेंट को खुला रखना है। मेंटेन ड्रम लेवल, अब इस टाइम पे ड्रम लेवल हमारा मेंटेन कर रहा है, MDF पे चल रहा है तो ड्रम लेवल हमारा नॉर्मली 0 से 50 के बीच में, -50 से ले +50 के बीच में वेरी करता है, इसी दौरान हमको आपको मेंटेन करना है। इसके लिए हम आपका स्कूप FRS कंट्रोलर और CBD वाल्स की सहायता ले सकते हैं। अगली कंडीशन है कि जैसे अब हमारा ओपन ड्रम एंड सुपर एयर वेंट, सुपर एयर स्टार्टर वेंट, सुपर एयर ड्रेन वेंट, ड्रम प्रेशर फॉल्स 2 kg, जब हमारा 2 kg सेट पॉइंट ड्रम प्रेशर आ जाता है उस दौरान हमें ड्रम के सुपर हीटर के सुपर स्टार्टर वेंट सुपर ड्रम सारे ड्रम वेंट सब खोल देने हैं। ड्रम वेंट्स ऑफ 500 MW। अब क्या एक चीज नई चीज बताते हैं, तो ड्रम वेंट 500 MW के भी ओपन आफ्टर द स्टॉपिंग ऑफ सीसी पंप्स ओनली। इसमें 500 MW में एक चीज बचाना है कि एयर ताकि आना जाए इस पंप में, पंप सीसी पंप जो बीसीडब्ल्यू पंप होते हैं उसके लिए दिया गया कि जो सीसी पंप बंद करने के बाद हमारे वेंट खोलने का प्रोविजन दिया है, ये एक बहुत ही नोटिसेबल पॉइंट है इसमें। व्हेन ड्रम मेटल टेम्परेचर कम्स टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्रम मेटल जो थर्सल मैनिफोल्ड टेम्परेचर ड्रम का जो मेटल टेम्परेचर 85 से 90 के बीच में आ जाता है तो FRS कंट्रोलर को बंद कर लेना है, FDP पोर्टेंस को बंद कर लेना है, आइसोलेट कर देना है। साथ ही साथ हमें BFP MDFP को हम राउंड बंद कर सकते हैं। अब साथ ही साथ अब हमारे इस कंडीशन में अब क्या करना है, हमारा कोई भी BFP ड्राइव या कुछ नहीं चल रहा है, लो पॉइंट ड्रेन हाइड्रोजन LPD ड्रेन हेडर्स हैं, ड्रेन्स टू ब्लो डाउन टैंक में जा रहे हैं, IBD टैंक में जा रहा है, उनको सबको खोल देना है। क्लोज CC पंप डिस्चार्ज वाल्व बिफोर ड्रेनिंग, एक बड़ी ही बड़ा बड़े वाल्व रहते हैं सबको खोलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इसलिए ये अवॉइड कर सकते हैं। फिर स्टॉप
जो क्लिंकर ग्राइंडर वेंडो एसिंग इज कमिंग थ्रू, जब आप कम नीचे बॉटम को भी इंश्योर करा लेना है कि हमारा बॉटम हमारे खाली हो गया, अगर खाली हो जाए तो सारा फ्लशिंग लाइन करके हम बंद करा देना है, डीएशिंग बंद करा देनी, और हमारा एच पी एल पी वाटर जितने पानी भी एल पी और एच पी वाटर उसको बंद कर लेना है। ये सारा प्रोसेस जब हम नॉर्मली शट डाउन करते हैं बॉयलर को फ्रॉम लाइव स्टेट टू कोल्ड स्टेट तक, आगे भी हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।